अगर आपके घर, पड़ोस या मोहल्ले में पुलिस आ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्या पता आपको अपनी ही जान से हाथ धोना पड़े। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, तो यूपी के चंदौली से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस ही अब निशाने पर आ चुकी है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस कटघरे में खड़ी हो चुकी है। चंदौली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर दिया और एक बार फिर से पुलिस निशाने पर आ चुकी है। जी हाँ, पुलिस के चेहरे को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पर आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। रोती बिलखती युवती कौन है और क्यों रो रही है, आगे बताते हैं। दरअसल पूरा मामला यूपी के चंदौली का है, जहां पुलिस गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने जाती है, लेकिन वहां जो होता है उसके बाद पुलिस ही सवालों के घेरे में आ जाती है। सरकार और अधिकारियों की नजर में अपना गुडवर्क दिखाने में सैयद राजा पुलिस इतनी तन्मयता से जुड़ जाती है कि एक जिला बदर अपराधी के यहाँ दबिश में बेटी की मौत हो गई। इस केस में हिस्ट्री शीटर की बेटी की ही मौत हो जाती है और आरोप की सीधी सुई पुलिस पर ही घिरने लगी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से बेटी की मौत हुई है। कन्हैया यादव जो मनराजपुर अंतर्गत थाना सैयद राजा के निवासी हैं, उनकी एक बेटी की जो है डेड बॉडी है घर में, और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। परिवार वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया, जिसमें निशा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सैयद राजा थाने के प्रभारी आरोपी उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत की वजह से गुस्साए लोगों ने सैयद राजा जमानिया मार्ग को भी जाम कर दिया। अब बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली, फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया, और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे, तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है, और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी SP साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है। देखिए, जब पुलिस जब मौके पर जब कल गई थी, जो अभी सामने आया है कि पुलिस चेकिंग के लिए या दबिश के लिए जो गई थी, वो लगभग 4-4:30 बजे के आसपास उठाया गया है। उसके पश्चात अभी कोई भी चीज़ सारी विवेचना के अंदर है, इसमें कोई भी जो साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं वो विवेचना में हम इंक्लूड करेंगे, और इसमें अभी ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है कि अब वो लटकी हुई थी या वो गिरी हुई थी। जो भी वीडियो वायरल हुआ उसके पश्चात ही मौके पे हम DM साहब और IG साहब और कमिश्नर साहब द्वारा मौका मुआयना किया गया। ये सभी चीज़ को हमने इंक्लूड किया, तभी पोस्टमार्टम भी एक पैनल के द्वारा कराया गया, उसको पूरा वीडियो रिकॉर्ड हमने करवाया है, ठीक है, और जो चोटें मैंने आपको बताई हैं वो इसमें लिख दी गई हैं, उसके अतिरिक्त कोई चोट नहीं पाई गई। यूपी के किसी भी मामले में राजनीति ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। चंदौली में हुई इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में पुलिस हत्यारी बन चुकी है, निरंतर निर्दोष नागरिकों की BJP सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या हो रही है। चंदौली में घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा दो बेटियों की बर्बर पिटाई में एक बेटी की मृत्यु अत्यंत दुखद, दोषी पुलिसकर्मियों पर हो हत्या का केस, मिले कठोर दम सजा। हालांकि इस मामले के बाद तमाम गांव वालों के साथ सपा नेता भी धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन सवाल ये कि जिस पुलिस पर आम लोग विश्वास करते हैं, उन्हीं पुलिस पर सवाल उठने के बाद अब यूपी की तस्वीर क्या बनती है। अब देखना होगा कि क्या युवती को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।